नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन और स्वागत है आप सभी का ब्लॉग ट्यूटोरियल के इस 18वें भाग में। यदि आपके ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट पर गूगल एडसन का ऐड आना बंद हो गया है या फिर आपके पुराने पोस्ट पर गूगल एडसन का ऐड आ रहा है और नए पोस्ट पर गूगल एडसन का ऐड नहीं आ रहा है, ऐसे में आपका अर्निंग बंद हो गया होगा या फिर आपका अर्निंग कम हो गया होगा, तो इस समस्या का हल हम किस प्रकार से निकालेंगे, किस प्रकार से हम अपने ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट पर गूगल एडसन का ऐड वापस से ला सकते हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। गूगल एडसन ने अपने ऐड यूनिट में कुछ अपडेट जारी किया है। उसमें नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है कि 15 सितंबर से पहले का जितना भी ऐड यूनिट क्रिएट किया गया है उन सभी ऐड यूनिट पर ऐड आने बंद हो जाएंगे। इसके लिए आपको अपने एडसन अकाउंट में ऐड यूनिट क्रिएट करके आपको अपने ब्लॉग वेबसाइट पर या ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट पर लगाना है। ऐड यूनिट क्रिएट होने के बाद उसको एक्टिव होने में 20 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का समय लगता है। उसके बाद आपके अपने ब्लॉग वेबसाइट पर या ब्लॉग वेबसाइट के पोस्ट पर ऐड आना चालू हो जाएगा। मेरा भी एक ब्लॉग वेबसाइट है biharpatna.com, उस पर भी 2 दिन पहले गूगल एडसन का ऐड आना बंद हो गया था, लेकिन जब मैंने इस प्रकार से किया तो मेरे वेबसाइट पर भी गूगल एडसन का ऐड आना शुरू हो गया। आप चाहें तो विजिट कर सकते हैं। तो ऐड यूनिट किस प्रकार से जनरेट किया जाता है यह देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। ऐड यूनिट क्रिएट करने के लिए आपको एडसन अकाउंट में आना है, उसके बाद ऐड पे क्लिक कर देना है, उसके बाद ऐड यूनिट्स पे क्लिक कर देना है। ऐड यूनिट्स पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिल जाएगा, 1, 2, 3, 4 तरह का ऐड मेरे एडसन अकाउंट में लगाने को दिख रहा है। हो सकता है आपके एडसन अकाउंट में 3 तरह का ऐड लगाने को दिख रहा हो या फिर 5 तरह का भी दिख सकता है। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही ऐड यूनिट क्रिएट कर लिया है। ये देखिए 4 तरह का ऐड, 1, 2, 3, 4 तरह का ऐड मैंने क्रिएट कर लिया है। आप देख सकते हैं ये 24 सितंबर का चारों ऐड क्रिएट किया हुआ है। अभी मैं आपको गूगल में टाइम एंड डेट आपको दिखा देता हूँ। अभी टाइम हो रहा है 12:53 और 26 सितंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं दिखा रहा है। तो मात्र 2 दिन पहले इस ऐड यूनिट को मैंने क्रिएट किया था, उसके बाद मेरे वेबसाइट पर आप देख सकते हैं गूगल एडसन का ऐड आना शुरू हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है, ये ऐड है, यहाँ पे ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, ये ऐड है, यहाँ पे ऐड है और ये सबसे ऊपर में ऐड है। इस तरह से मेरे वेबसाइट पर ऐड आना शुरू हो गया है। तो ऐड यूनिट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले ऐड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कुछ नाम दे देते हैं, 1 दे देते हैं, उसके बाद क्रिएट ऐड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी कोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन हम इसे डन कर देते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 करके डिस्प्ले ऐड, यहाँ पे ऐड यूनिट क्रिएट हो गया। उसके बाद हम दोबारा से दूसरे ऐड यूनिट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्रिएट ऐड स्टाइल मैनुअली पर क्लिक करेंगे और यहाँ चारों में से किसी एक को हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड यूनिट का नाम दे देना है, मैं 2 दे देता हूँ और यहाँ से सेव एंड गेट कोड पर क्लिक कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ कॉपी कोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ फिनिश कर देता हूँ। इस तरह से आप देखिए ये दूसरा ऐड यूनिट भी क्रिएट हो गया। उसके बाद तीसरे पर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर नाम दे देंगे, 3 मैंने नाम दे दिया, सेव एंड गेट कोड पर क्लिक कर दिए, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दिए और आप देख सकते हैं यहाँ पे तीसरा ऐड यूनिट भी क्रिएट हो गया। और यहाँ फिर से हम चौथे पर जाएंगे और यहाँ पर नाम दे देंगे 4 नंबर और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल, इस तरह से आप कर सकते हैं। और यहाँ से देखिए इस तरह से यहाँ पे रिस्पॉन्सिव ही रहने दीजिए क्योंकि रिस्पॉन्सिव हर डिवाइस में काम करता है, हर डिवाइस में दिखाता है। उसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देंगे, उसके बाद यहाँ से डन करके फिनिश कर देंगे और आप देख सकते हैं दोबारा से 1, 2, 3, 4 मैंने ऐड यूनिट जनरेट कर लिया है। इसको एक्टिव होने में 20 मिनट से लेकर के 24 घंटे तक का समय लगता है।
आप चाहें तो अभी भी इस ऐड यूनिट को आप अपने ब्लॉग पोस्ट पर, ब्लॉग वेबसाइट पर लगा सकते हैं, लेकिन वो ऐड आपको 20 मिनट से लेकर 24 घंटे के अंदर ही दिखा सकता है, एक्टिव होने के बाद ही दिखाएगा। तो इसे किस प्रकार से हम लगाएंगे, इसके लिए सबसे पहले वन देखिए, यहाँ पे हम जाएंगे, गेट कोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कोड कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से कॉपी कर लेंगे। उसके बाद अपने जाएंगे ब्लॉग पर, ब्लॉग पर आने के बाद हम लेआउट पर क्लिक करेंगे। लेआउट पर क्लिक करने के बाद जहाँ भी आपको इस तरह का HTML JavaScript का दिखेगा, जहाँ पर आप अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, वहाँ पर इसे पेस्ट कर देना। जैसे देखिए HTML JavaScript यहाँ पर है, इसके एडिट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पुराना वाला ऐड यूनिट है, इसको हम यहाँ से इस तरह से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये नया कोड पेस्ट हो जाएगा। इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब आपका ये कोड एक्टिव होगा तब आपके ब्लॉग वेबसाइट पर दिखाई देने लगेगा। इस तरह से आप भी अपने ब्लॉग वेबसाइट पर गूगल एडसन का नया कोड जनरेट करके लगा करके दोबारा से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पर गूगल एडसन का ऐड दिखा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।